हेलो नमस्कार दोस्तों, स्काक टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार चौहान हूं। इस चैनल में हर रोज एक नई वीडियो, जहां मैं कोशिश करता हूं कि आपको न्यू वीडियो लेके हर रोज एक नई वीडियो के साथ चलें। दोस्तों, डिजिटल इंडिया बनाते हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो चाहिए इमेज। जी हाँ दोस्तों, इमेज चाहिए। इमेज कैसे आपको डाउनलोड करना है वो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इमेज डाउनलोड करना है। इमेज डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपल सा आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूँगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस साइड पर। आपको इस साइड पर आने के बाद दोस्तों, या तो दोस्तों आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं लेसिक्सा, क्या पढ़ते हैं पता नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको जो भी आपको करेक्टर चाहिए वो करेक्टर आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों मेरे को ओल्ड मैन चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ ओल्ड मैन लिख के मैं सर्च करूँगा। यहाँ पर सर्च वाला बटन दिखेगा, सर्च पर क्लिक करूँगा। और सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड मैन का जो है इमेज आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप जिस इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी इमेज आपको लेना चाहते हैं, जो इमेज को आप जो है अपने जो वीडियो करेक्टर में लगाना चाहते हैं, वो इमेज को आप सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं एक इमेज यहाँ पर डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बेहतर रहेगा, वो इमेज मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा। सबसे पहले मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं जो है उसके उसके अकॉर्डिंग उसका वीडियो बना सकूँ। तो मेरे को ओल्ड एज मैन चाहिए, तो एकदम ओल्ड एज मैन मतलब एकदम क्या किस टाइप का चाहिए, मेरे को इंडियन टाइप का चाहिए। तो ये मेरे को अच्छा लगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड का बटन, इस डाउनलोड वाले बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गया, यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद दोस्तों एक वेबसाइट का लिंक और दूँगा, जिसमें आप जो है क्या करेंगे, वीडियो जो क्रिएट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को क्रिएट करेंगे। वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे चलिए बताया था। मैं वेबसाइट पे चलता हूँ। अब वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टोरी। स्टोरी के लिए दोस्तों आप कहीं से भी स्टोरी ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप अपने हिसाब से स्टोरी ले सकते हैं। तो मैं एक अपने हिसाब से एक स्टोरी ले लेता हूं, उसके बाद आपको आप बताता हूं किस प्रकार से आपको जो है एडिट करना है, किस प्रकार से आपको जो है वीडियो बनाना है, पूरी जानकारी देता रहा हूं। तो मैं यहाँ पर जो है स्टोरी, सबसे पहले स्टोरी ले लेता हूं। मैंने ओल्ड एज मैन का जो है इमेज डाउनलोड कर लिया। ओल्ड एज मैन का डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टोरी मैं फाइंड कर लेता हूँ, यहीं से गूगल से फाइंड कर लेना है। आपको गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा, स्टोरी भी गूगल से मिल जाएगा और जो है आपको वीडियो भी गूगल से मिल जाएगा, इमेज भी गूगल से मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर स्टोरी के लिए मैं एक नया टैब ले लेता हूँ। और नया टैब लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से जो जिस प्रकार की आपको स्टोरी चाहिए उसी प्रकार से स्टोरी आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो जो स्टोरी आप लगाना चाहते हैं, जो स्टोरी आप जो है स्टोरी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब की स्टोरी यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं एक सर्च कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो लीजिए मैंने जो स्टोरी फाइंड कर लिया। स्टोरी फाइंड करने के बाद दोस्तों आपको जो है गूगल पे ही सर्च करना है, इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये हाई गैन करके सर्च कर लेना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ हाई गैन, इस प्रकार से आपको लिख के सर्च करना, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर किया हुआ हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों हाई गैन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे थोड़े से लोड लेगा, और लोड लेने के बाद दोस्तों थोड़े से बस वेट करना है। इसके बाद ट्राई डेमो ऑन मोबाइल करके लिखा आ जाएगा, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये इमेज देखने को मिल रहा होगा, इस इमेज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जो है चेंज कर सकते हैं। जो इमेज हमने अभी गूगल से लिया है उस इमेज को हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा जो है ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस साइज़ में आप जो है अपना वीडियो को बनाना चाहते हैं उस साइज़ में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर स्टोरी जो है लिखने वाले हैं। अब जो है दोस्तों एडिट योर वीडियो स्क्रिप्ट, या फीमेल में चाहिए या तो दोस्तों आपको मेल में चाहिए, ये बोल रहा है। तो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो हम स्टोरी यहाँ पर फाइंड करेंगे, स्टोरी को यहाँ पर डालेंगे, जो भी स्टोरी हमने यहाँ पर जो है लिखा है वो स्टोरी यहाँ पर हम डाल के बता देते हैं आपको। इसको सबसे पहले इसको जो स्टोरी यहाँ पर पहले से है उसको सबसे पहले तो आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद दोस्तों जो स्टोरी हमने यहाँ पर लाए थे वो स्टोरी यहाँ पर हमने आके पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो
फोटो है हम अपलोड कर देंगे यहाँ पर, जो है फोटो जो अपलोड जो इमेज है वो यहाँ पर हम जो है इस पर क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ फटाफट से। तो हमारा जो फोटो है यहाँ पर जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अब थोड़े से वेट करेंगे और थोड़े से वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो चश्मिस वाला फोटो देखने को मिल रहा है वो जो है हट के जो है यहाँ पर जो है हमारा जो जो हमने फोटो डाउनलोड किया था वो फोटो यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद स्क्रॉल करेंगे थोड़े से और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अपना चैनल का नाम डाल सकते हैं, अपना जो चैनल का नाम भी डाल सकते हैं, लास्ट नेम फर्स्ट नेम दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी ही पड़ेगी जो ईमेल आईडी आपके पास है। तो चलिए मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ और ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के यहाँ पर ईमेल आईडी और सारा चीज़ डाल देता हूँ, आप लोग बता देता हूँ किस प्रकार से डालना है। चलिए तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भी डाल दिया और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप इसको कहाँ से पता चला, तो आप जो है डाल सकते हैं यूट्यूब से पता चला, यूट्यूब ये वीडियो देख के आपको पता चल रहा है तो यूट्यूब डाल सकते हैं। यूट्यूब में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा चीज़ यहाँ पर डाल दिया। अब डालने के बाद दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैंने अपना चैनल का नाम डाला, उसके बाद फर्स्ट नेम में लास्ट नेम में टेक्निकल डाल दिया और एक ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दिया जो ईमेल आईडी मेंशन किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यूट्यूब पर मेरे को पता चला, इस प्रकार से मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद यहाँ पर सबमिट वाला लास्ट में सबमिट वाला बटन दिखेगा, इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया, अब देखिए यहाँ पर सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबमिट मैंने किया, इसके बाद प्लीज़ वेट यहाँ पर वेट करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़े से वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है एक्सप्लोर मोर ऑन एडिटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो है ये जो है शुरू से आ जाएगा, मतलब जो है जो आप हमने स्टार्ट किया था वो सेम आ जाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़े से वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों जो हमने अभी वीडियो बनाया है वो वीडियो कहाँ पर आएगा, अब बोलोगे बहुत सारे लोग कहेंगे ये वीडियो कहाँ पर आएगा, तो वीडियो कहाँ पर आएगा चलिए बता देते हैं। वीडियो आएगा दोस्तों आपका मेल में, ठीक है, तो मेल थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद मेल आ जाएगा। मेल को जो है हम ओपन करेंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम मेल को ओपन कर लेते हैं और मेल को आ गया, हमारे पास मेल आ गया। अब मेल को ओपन करते हैं, जैसे ओपन करते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टेक ए लुक पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर टेक ए लुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़े से लोड लेगा। अब लोड लेने के बाद दोस्तों इस वीडियो है इसको हम डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड वाला बटन दिख रहा है आपको सामने यहाँ पर नजर आ होगा, तो इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकेंड के अंदर ये वीडियो जो है डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इसको हम प्ले करके आप लोगों को दिखा देते हैं। अब प्ले करके दिखाने के बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इसको जो है यहाँ पर वाटर मार्क आता है, वाटर मार्क को किस प्रकार हटाना है चलिए बता देते हैं। वाटर मार्क को हटाने के बाद दोस्तों इसको मैं करता हूँ बेक, उसके बाद करता हूँ मिनिमाइज, मिनिमाइज कर दिया और मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं चला जाऊँगा काइन मास्टर के ऊपर और काइन मास्टर के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों हमने जो यहाँ पर काइन मास्टर को अपना ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद दोस्तों वो वीडियो को आपको ले लेना है जो अभी आपने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड वाले सेक्शन पे ये वीडियो हमारे पास आ गया है, इस वीडियो को हम जो है यहाँ पर ले आएंगे। लाने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखेगा जूम पैनल, और जूम पैनल अपने हिसाब से आप जूम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है जूम कर लेना है, इस प्रकार से आपको जूम कर लेना है और जो है यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है। अब देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जूम हो गया। अब वीडियो को हम प्ले करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बनाया था सेम यहाँ पर बन गया है। अब इसको जो है आपको करना क्या होगा, एक इसे बेक देना है और इसको जो है एक्सपर्ट कर लेना है, जितने में आप करना चाहते हैं उतने में एक्सपर्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर जो है वीडियो को